हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? तो बच्चों, आई एम प्रभा मावी, जो आपकी ड्राइंग टीचर हैं। आज वो आपको सब्जेक्ट ड्राइंग में क्या कराएंगी? हैमर एज सो। पहले हमने आपको टॉपिक नंबर 9 कराया था और हाँ, आज हम करेंगे टॉपिक नंबर 10। तो बच्चों, टॉपिक नंबर 10 में हमें क्या करना है? हैमर एज सो, यानी कि हथौड़ा और आरी, जिसे आरा भी बोलते हैं, जो पेड़ काटने की होती है, उसे बनाना सीखेंगे कि हम उसको किस तरीके से बनाएंगे। ओके बच्चों, तो सब्जेक्ट है आपका ड्राइंग। तो सभी बच्चे क्या करेंगे? सबसे पहले इरेजर, पेंसिल, शार्पनर, कटर और क्या करेंगे बच्चों? एक रफ पेपर लेकर बैठेंगे और स्केल और वीडियो को देखते रहेंगे, और पहले आप उसको रफ पेपर में बनाएंगे, बाद में आप फेयर में बनाएंगे ड्राइंग की नोटबुक में। तो आइए आज हम सीखते हैं हैमर एस सो बनाना, यानी कि हथौड़ा एस आरी। टॉपिक नंबर है आपका 10, हैमर एस सो, सेड इट। इसमें आपको क्या करना है? सेड करना है, कलर नहीं करना है। अब देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे? स्केल लेंगे और स्केल से इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे। सभी बच्चों को दिखाई दे रहा है? तो बच्चों, क्या बनाया है हमने? ये हमने बनाया है ये हैमर, यानी कि हथौड़ा। इसे हम क्या करते हैं? कोई लोहे की चीज़ होती है तो उससे क्या करते हैं? इससे हम उसको तोड़ते हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ होती है, ये हथौड़ा, जैसे ईंट फोड़ते हैं, पत्थर फोड़ते हैं, तो ये हथौड़ा उस चीज़ में काम आता है। ठीक है, तो हमने क्या बना दिया है बच्चों? ये हमने बना दिया है ये हैमर। अब हम इसमें क्या करेंगे बच्चों? अब हमें इसमें करना है शेड, कलर इसमें नहीं करना है, हमको इसमें केवल शेड करना है। ओके, देखिए हम शेड किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम पेंसिल लेंगे और पेंसिल को धीरे धीरे इस तरीके से करेंगे। ओके बच्चों, तो हमने क्या बना दिया है? ये हैमर। अब हम बनाएंगे सो, यानी कि आरी। देखिए आरी हम किस तरीके से बनाएंगे। स्केल लेंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे लंबी सी, ठीक है। और एक लाइन हमने ये ड्रॉ की, फिर ऐसे करेंगे। ठीक है, अब हमको क्या करना है? हमने ये दो लाइन ड्रॉ की है केवल। अब हमें इसमें जो आरी में वो होते हैं, कट होते हैं, वो हम इसमें करेंगे। ठीक है, सभी बच्चे बिल्कुल साफ सफाई से सुंदर तरीके से बनाकर लाएंगे। ओके, तो बच्चों हमने क्या बनाया है? ये हमने बनाई है हथौड़ा और आरी। अब हम इसमें क्या करेंगे बच्चों? अब देखिए हमारी आरी कंप्लीट हो चुकी है, बट इसमें क्या करना है हमको? अभी हमको इसमें
शेड करना है, ओके। वो आप किस तरीके से करेंगे? चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेंसिल लेंगे और पेंसिल से धीरे धीरे इस तरीके से हमें इसमें शेड करना है। पहले सभी बच्चे एक पेपर में बनाएंगे, फिर आप बनाएंगे ड्राइंग की नोटबुक में एकदम सुंदर तरीके से, ओके। एक बार और हम इसमें पेंसिल ड्रॉ कर देते हैं ताकि लाइन अच्छे से दिखाई दे। तो बच्चों आरी से हम क्या करते हैं, शो से हम क्या करते हैं, लकड़ियां काटते हैं, ठीक है। सभी बच्चे इस तरीके से बना लेंगे ना, पहले रफ पेपर में बनाएंगे और फिर फेयर में बनाएंगे, ओके। तो बच्चों आपको समझ आया कि आपको किस तरीके से बनाने हैं ये? देखिए आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आप इनको बहुत सुंदर तरीके से अपनी ड्राइंग की नोटबुक में बना कर लाएंगे। धन्यवाद।